वेलकम टू एमएल ट्यूटोरियल। हमने लास्ट लेक्चर में इनोवेटिव थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कवर किया था। इस लेक्चर में हम एंटरप्रेन्योरशिप का एक और थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है थ्योरी ऑफ हाई अचीवमेंट बाय डेविड मैकलेलैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ हाई अचीवमेंट, ये थ्योरी डेविड मैकलेलैंड ने दी थी। डेविड मैकलेलैंड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका ये कहना था कि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो वो जिनकी नीड फॉर अचीवमेंट हाई होती है और दूसरे वो जिनकी नीड फॉर अचीवमेंट लो होती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो वो जिन्हें लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना होता है और दूसरे वो जिन्हें अपने ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। डेविड मैकलेलैंड का कहना था ऐसे लोग जिनकी नीड फॉर अचीवमेंट हाई होती है वो लोग अपने लाइफ में डिफ़िकल्ट टास्क करना पसंद करते हैं। इन लोगों को अपने लाइफ में चैलेंजेस एक्सेप्ट करना पसंद होता है, लेकिन ये लोग नॉर्मली अपने लाइफ में वही डिफ़िकल्ट टास्क चूज़ करते हैं जिनको वो अचीव कर सकते हैं। इनके अचीवमेंट पे इनको जो रिकॉग्नाइजेशन मिलती है वही इनके लिए उनका रिवॉर्ड होती है। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको अपने लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इस टाइप के लोग नॉर्मली बहुत ही इजी टास्क करना पसंद करते हैं क्योंकि ये लोग फेलियर का रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं। ये लोग बेसिकली फेलियर का रिस्क कम करने के लिए इजी टास्क परफॉर्म करते हैं। डेविड मैकलेलैंड का ये भी कहना था कि जिन लोगों में नीड फॉर अचीवमेंट लो होती है उनकी नीड फॉर अचीवमेंट हाई की जा सकती है। इस थ्योरी में डेविड मैकलेलैंड ने कुछ ऐसे टेक्निक्स या सोर्सेस बताए हैं जिससे नीड फॉर अचीवमेंट इंक्रीज की जा सकती है। चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से सोर्सेस हैं। डेविड मैकलेलैंड ने टोटल 9 सोर्सेस बताई है, जैसे कि पेरेंट्स हु एनकरेज इंडिपेंडेंस इन चाइल्डहुड, रिवॉर्ड फॉर सक्सेस, Association of achievement with positive feeling, association of achievement with one's own competence and efforts, not luck, a desire to be effective or challenging, intrapersonal strength, desirability, feasibility and goal setting ability. डेविड मैकलेलैंड का कहना था कि जिन लोगों में नीड फॉर अचीवमेंट हाई होती है वो लोग पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। इस थ्योरी में डेविड मैकलेलैंड ने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं, जैसे कि दे सेट मॉडरेट रियलिस्टिक एंड अटेनेबल गोल फॉर देम, दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क, दे प्रेफर सिचुएशन वेर इन दे कैन टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, दे नीड कॉन्क्रीट फीडबैक ऑन हाउ वेल दे आर डूइंग, अचीवमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मटेरियल और फाइनेंशियल रिवॉर्ड एक्सेट्रा। तो ये थी हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की सेकेंड थ्योरी। अब हमारी 3 थ्योरी पेंडिंग है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।